नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। और हम आ जाए हैं सुपर टेक टावर। जी हाँ, इन्हीं टावरों को गिराया जाएगा 22 मई को दोपहर में। रात में भी 24/7 इसमें काम चलता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, क्रेनें लगी हुई हैं। रात के 10 बज रहे हैं और काम चल रहा है शुरू से। इन्हीं टावरों पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है इन टावरों को गिराने के लिए। 22 मई का समय दिया गया है। बराबर में इसके सुपर टेक का ही प्रोजेक्ट है और इस साइड इसके ATS का प्रोजेक्ट है। जी हाँ, बहुत ही लग्जरी प्रोजेक्ट है ATS का। यहाँ पर 22 मई को बोला गया उनको 5 घंटे के लिए अपने घरों से बाहर रहने के लिए, ताकि जो धूल और जो यहाँ पर विस्फोट होगा इस बिल्डिंग में, 4000 किलो का डायनामाइट यूज करेंगे इनको गिराने के लिए। तो 22 मई को मैं आऊँगा लाइव इसी चैनल पर ले कर के आपको दिखाने के लिए, नोएडा में 103 मीटर ऊंची इमारत को कैसे गिराएंगे, जो कि एडिफिस कंपनी को दिया गया है, जिनका टारगेट 22 तारीख को दोपहर में इसको गिराने के लिए। तो काफ़ी लग्जरी सेक्टर है, सेक्टर 93 है ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेजिडेंस काफ़ी अच्छा है, पीछे आप सुपर टैक में पब्लिक रहती है, इधर ATS में यहाँ पे पब्लिक रहती है, और सामने यमुना एक्सप्रेसवे है इसके, सॉरी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है इसके बराबर में। काफ़ी टाइम के बाद, 10-12 साल के बाद, इसमें जो भी केस लड़ा गया, तो जिन्होंने यहाँ पर परचेज किया हुआ था, तो गवर्नमेंट ने बोला है सुपर टैक को 12% के ब्याज के साथ उनको पैसा रिफंड किया गया है। 600 से ज़्यादा फैमिली थी जिन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया था। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लेकर आऊँगा मैं लाइव इसी वीडियो को, इसी बिल्डिंग को तोड़ते हुए विस्फोट के थ्रू। 4000 किलो का विस्फोट यूज करेंगे यहाँ पर एडिफिस के द्वारा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। रात में लगे हुए हैं बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए 10 बजे तक।